अनिल जी, आज का जो पहला स्टॉक है, जो लॉन्ग टर्म स्टॉक है, वो भी एक ऑटो कंपोनेंट कंपनी है, जो कि मेरा एक पसंदीदा स्टॉक है। मैंने कई बार चैनल पे पहले भी रिकमेंड किया हुआ निचले लेवल्स पे। स्टॉक का नाम है फेडरल मुगल। ये एक दमदार एमएनसी ऑटो कंपोनेंट कंपनी है, जो कि अभी स्टॉक 310-312 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। ये भारत की सबसे बड़ी पिस्टन और पिस्टन रिंग्स बनाने वाली कंपनी है, और ये इसका जो पेरेंटेज है वो जर्मनी का, एक जर्मनी की कंपनी है फेडरल मुगल, जो कि $6.3 बिलियन ग्रुप है, वर्ल्ड लीडर है अपने ऑटो कंपोनेंट सेक्टर में। बाकी कंपनी के फंडामेंटल्स दमदार है, एक जीरो डेट कंपनी है। फिर हाल ही में इसका एक ओएफएस आया था, जो प्रोमोटर्स को हिस्सेदारी अपनी 95% से कम करके 75% करनी थी, तो उस वजह से हमने देखा स्टॉक में एक अच्छा खासा करेक्शन हुआ। बट ये सही समय है इस स्टॉक को बिल्कुल लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी करने का, बिकॉज ये एक एमएनसी ऑटो कंपोनेंट कंपनी इस तरह के वैल्यूएशन पे इतने सस्ते लेवल्स पे मिल रहा है, एक बहुत ही अच्छा मौका है। और इसमें तो प्रोमोटर्स ने पिछले साल एक्चुअली ₹665 में इसमें बायबैक करा हुआ है, और आज स्टॉक वहां से आधे दाम पे मिल रहा है। तो आई एम बुलिश ऑन द स्टॉक, और मुझे लगता है करंट लेवल्स पे खरीदे, 400 तक का लक्ष्य रहेगा 9 से 12 महीने का। ओके, तो ये है आपके लिए फेडरल मुगल पर खरीदारी की राय, सेठी साहब की तरफ से उनकी है लॉन्ग टर्म पिक का।